वैसे मैं सबसे पहले आपको डायग्राम में क्या है दूरियों को देखना है। यहाँ पे हम दूरियों को देखेंगे, यहाँ पर क्या रखा हुआ है अभिदर्शक लेंस। सबसे पहले हम वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। तो यहाँ पे आपकी बिंदु ओ से लेकर बिंदु बी तक की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस यू ओ। क्या हो जाएगी, यू ओ। ओ माने किसके लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए। और सामने है तो कैसा हो जाएगा, माइनस में। और माइनस यू ओ किसके बराबर रहेगी आपकी, माइनस डी के। अब देखें बिंदु ओ से बिंदु बी डैश तक, बिंदु ओ से बी डैश तक ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से। और ओ के लिए बनाया इसलिए हमने क्या लिख लिया, भी ओ। बी से बनाया इसलिए कैसे हो जाएगी, ये प्लस में। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसका काम करता है, वस्तु का कार्य करता है। तो अब हमें ए डैश बी डैश को वस्तु मानना है, तो अब इस लेंस के लिए हम दूरी देखेंगे। तो बिंदु बी डैश से लेकर के ई तक की दूरी क्या मानी जाएगी आपकी, वस्तु की दूरी मानी जाएगी। तो वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, और नेत्रिका लेंस के लिए देख रहे हैं इसलिए हमने साथ में ई लगा दिया। और सामने है तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का चिन्ह लगा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या बना है आपका, बीटा कोण बना है। कहाँ पे बनाया था बोल, ए डैश बी डैश ओ में बीटा कोण बना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डैश ई बी डैश, ये आपका बीटा कोण हो जाएगा। और यहाँ पे ए डैश और सॉरी ए ओ बी, ये अल्फा कोण बना है। यहाँ पे ए बी ओ इस वाले त्रिभुज को देखेंगे, और ओ ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आवादन क्षमता देखते हैं। तो एम बराबर आवादन क्षमता आपकी क्या होती है, बीटा बटे अल्फा। प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण, प्रतिबिंब के लिए बीटा और वस्तु के लिए क्या लिखते हैं, अल्फा। प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी द्वारा आँख पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को आवादन क्षमता कहते हैं। इसे हम इससे प्रदर्शित कहते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, एम बराबर बीटा बटे अल्फा। यदि बीटा और अल्फा जो आपके बीटा प्रतिबिंब वाला कोण जो बन रहा है और अल्फा कैसे हो, अत्यंत छोटे हो, अत्यंत छोटे हैं, तो क्या आपका हो जाएगा, एम बराबर टेन बीटा बटे क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। समीकरण नंबर एक बस। अब यहाँ पे हमें पहले किसका मान चाहिए, टेन बीटा का, टेन बीटा का मान चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे बी डैश ई ए डैश, यहाँ पे हम देखेंगे त्रिभुज बी डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए डैश। बी डैश ई ए डैश में इसे हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन बीटा बराबर ए डैश बी डैश, यहाँ पे लिखेंगे हम ए डैश बी डैश, बटे में क्या हो जाएगा बी डैश ई, यहाँ पे हम लिखेंगे बी डैश ई या ई बी डैश लिख लेंगे बी डैश ई। अब बी डैश ई बी डैश ई बी डैश ई यानी माइनस यू ई, तो यहाँ पे हम रख देंगे मान टेन बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, माइनस के यू ई। किसका मान प्राप्त हुआ हमें, टेन बीटा का। अब किसका मान चाहिए, टेन अल्फा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे वस्तु द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना दर्शन कोण, तो आपका हो जाएगा ए ओ बी। यहाँ पे हम देखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, तो यहाँ पे हम देखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में आपका क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर। वस्तु क्या दी गई है आपकी, ए बी दी गई है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी ओ। तो बटे में हम क्या लिख देंगे, बी ओ। हमने क्या किया, त्रिभुज में लंबा बटे आधा वाला लगा दिया। अब यहाँ पे टेन अल्फा का टेन अल्फा बराबर ए बी का ए बी बटे बी ओ का मान हम क्या रखेंगे, माइनस के डी। यहाँ पे हम क्या रख देंगे, माइनस के डी। टेन बीटा का मान प्राप्त हो गया, ए डैश बी डैश माइनस यू ई,
टेन अल्फा का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, ए बी बटे माइनस के डी। दोनों के मान हम कहाँ पे रख देंगे, समीकरण नंबर एक में। तो क्या हो जाएगा आपका स्मॉल एम बराबर टेन बीटा का मान क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, थोड़ा नीचे से लिख देते हम, स्मॉल एम बराबर ए डैश बी डैश बटे में क्या लिख देंगे यहाँ से माइनस के यू ई, और बटे में किसका लिखना है टेन अल्फा का मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बटे में क्या हो जाएगा माइनस के डी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, नीचे से संख्या पहुंच जाएगी आपके ऊपर, और ऊपर की संख्या कहाँ पे आ जाएगी, नीचे हो जाएगी। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एम बराबर ए डैश बी डैश अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी, बोले डी कहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर, तो माइनस के क्या हो जाएंगे डी अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस के यू ई, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा एम बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इनटू में क्या हो जाएगा डी बटे यू ई, ये प्राप्त हो गया। अब हमें किसके मान की आवश्यकता है, ए डैश बी डैश बटे ए बी के मान की आवश्यकता है, ए डैश बी डैश के मान को निकालने के लिए। इतना समझ में आ गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश के मान को निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे हम त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश, त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश दोनों कैसे हैं, समरूप समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, और एक त्रिभुज का आधा बटे दूसरे त्रिभुज का आधा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, पहले लेंगे हम त्रिभुज आप ए डैश ओ और बी डैश, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, पहले हम इस वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, इसके बाद आपका दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ए बी बराबर एक त्रिभुज का आधा क्या हो जाएगा प्लस के भी जीरो, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे भी जीरो बटे दूसरे का क्या हो जाएगा आपका बी ओ यानी माइनस के यू ई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस के यू जीरो, ई नहीं आएगा, ये आपका नेट का लेंस के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यू ओ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ये आपका, तो यू ओ ये किसका मान प्राप्त हो गया हमें ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर क्या निकल आया आपका भी जीरो बटे माइनस के यू जीरो। यहाँ पे हमने जो समीकरण निकाला इसको हम डाल लेंगे समीकरण नंबर दो। अब ए डैश बी डैश बटे ए बी का मान कहाँ पे रख देंगे हम समीकरण नंबर दो में, समीकरण दो बराबर आपका एम बराबर ए डैश बी डैश का मान क्या दिया गया माइनस के, माइनस का ये यू वाला आ जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा वी जीरो माइनस के यू जीरो इन टू में क्या दिया गया आपका डी अपॉन यू ई, ये हो गया आपका समीकरण नंबर तीन। कितना निकल आया समीकरण नंबर तीन निकल आया। अब हमारा चित्र का कुछ काम नहीं है, हम चित्र को मिटाएंगे। क्या निकला आपका एम बराबर माइनस बी जीरो बटे यू जीरो गुणे डी अपॉन यू ई। अब हम सबसे पहले निकालेंगे कौन सी स्थिति, फर्स्ट स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट, सॉरी जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जो आखिरी में आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बनना चाहिए स्पष्ट दूरी की, स्पष्ट दूरी पर। यहाँ पर हम लिखेंगे नेत्र लेंस के, नेत्र लेंस से लेंस के सूत्र से लिखेंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे, लेंस का सूत्र क्या होता है एक बटे एफ बराबर एक बटे बी माइनस के एक बटे यू। नेत्र लेंस से नेत्र का लेंस के लिए, तो इनके साथ सभी के साथ हम क्या लगा देंगे ई लगा देंगे, नेत्र लेंस से नेत्र का लेंस के लिए, तो एक बटे एफ ई बराबर एक बटे बी ई माइनस एक बटे यू ई। जब भी आप इसको लिखेंगे तो आपको फिर यहाँ पे दो दूरी साइड में लिखना है, बी ई बराबर हो जाएगा आपका माइनस डी और यू ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस के यू ई, यही दोनों दूरियाँ हमने सेल सूक्ष्म दर्शी में रखी थी।
दोनों के यहाँ पे हम मान रख देंगे एक बटे एफ ई बराबर एक बटे माइनस के डी माइनस एक बटे माइनस के यू ई। तो एक बटे एफ ई हो जाएगा बराबर में एक बटे माइनस के डी हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एक बटे यू ई हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों और क्या करना है, डी का गुणा। गुणा क्यों करना है, क्योंकि समीकरण तीन में डी अपॉन यू ई प्राप्त हुआ है, इस कारण यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोनों और डी का गुणा करने पर। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों और किसका गुणा करने पर, डी का गुणा करने पर। तो देखेंगे क्या आएगा आपका, एक बटे एफ ई एक की जगह क्या हो जाएगा डी बराबर में डी अपॉन माइनस के डी प्लस में डी अपॉन यू ई। यहाँ पे डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी अपॉन एफ ई बराबर माइनस के वन प्लस में क्या है डी बटे यू ई। एक का क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा डी बटे यू ई। पहले हम इसी को लिख लेते हैं, एक ये साइड लाए तो एक प्लस का हो गया, प्लस में आपका क्या हो जाएगा डी बटे एफ ई बराबर में यहाँ पे आपका बचेगा डी बटे यू ई। माने डी बटे यू ई बराबर क्या निकल आया वन प्लस डी बटे एफ ई। यह मान कहाँ पे रख देंगे, समीकरण नंबर तीन में रखने पर। समीकरण तीन आपका क्या दिया गया है, एम एम बराबर माइनस डी ओ अपॉन यू ओ इंटू में क्या हो जाएगा, कोष्टक में लिख देंगे आप प्लस में आपका इंटू में दिया गया है, इंटू में दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसका मान लिख देंगे वन प्लस डी बटे एफ ई। ये निकल आएगी आपकी आवाज़ क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। कहाँ पे बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर चार। इसके बाद अब हमें क्या देखना है, जब प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अनंत पर बने। कौन सी स्थिति देखनी है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो हम क्या लिखते हैं यू ई बराबर एफ ई। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अनंत पर बने, तो यू ई बराबर क्या हो जाएगा एफ ई। यह मान कहाँ पर रख देंगे हम समीकरण नंबर तीन में। समीकरण तीन क्या दिया गया आपका, एम बराबर वी जीरो अपॉन माइनस के आपके ये हो जाएंगे यू जीरो हो जाएगा, तो एम बराबर निकलेगा आपका माइनस वी ओ अपॉन यू ओ यहाँ पे आ जाएगा इन टू डी अपॉन। अब यू ई की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, एफ ई लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगी आपकी आवादन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अनंत पर बने।